6,500 पहली बार हाथ में लिया हूँ। ये 512 GB है, ये कंपनी में इसका MRP है 1,15,000 और यहाँ पर पतन 1200 काउंटर से प्लस है भाई, क्योंकि वो बता रहे थे भैया जहाँ पर हमने वीडियो शूट किया था पूरा। हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। और भाई आज मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने चोर बाजार, मतलब सूरत सिटी में एक ऐसी जगह भी है जिसको जनता मार्केट हम लोग बोलते हैं, चोर बाजार कुछ लोग उसे बोलते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही चीपेस्ट रेट में, बहुत ही सस्ता आपको फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कोई भी सामान ले रहा है तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलते हैं भाई एक्सप्लोर करते हैं। और फिलहाल मैं घर पे हूँ और घर से अभी ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलते हैं यहाँ से और दिखाता हूँ आपको, आज एक्सप्लोर करते हैं जनता बाजार चोर मार्केट को। तो फाइनली अभी हम लोग भाई जनता मार्केट आ गए, जो चौक से थोड़ा सा आगे है। और यहाँ आप आ सकते हो स्टेशन से काफ़ी आसपास, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो स्टेशन पर अगर आप आते हो सूरत स्टेशन, तो वहाँ से आप ऑटो पकड़ के आ सकते हो। और ये भाई आगे का सीन जनता मार्केट का, और काफ़ी टाइम के बाद भाई मैं तो यहाँ आया हूँ बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले। हेलो, हाँ, ये वीडियो बनाने के लिए मैं जनता मार्केट घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पर सबसे चीपेस्ट रेट में मिलता है ना मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो वही चीज़ लोगों को दिखाने, एक्सप्लोर करने, ताकि मतलब हर जगह के लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर सस्ता में मिलता है। अब जरूर क्यों नहीं, चलते हैं और मार्केट में घूमते हैं भाई, देखते हैं कहाँ पर कितने रेट में मिल जाता है भाई। पूरा मार्केट जैसा देख सकते हो, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पूरा खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी मैं पहले भी आया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आया हूँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो देखते हैं भाई यहाँ पर अगर कोई हमें बता दे भाई कितने बजट में स्टार्ट होता है। फ़ोन्स वगैरह देख सकते हो आपका भाई यहाँ पर रखा है, कितने तक जो है कौन सा फ़ोन आता है। तो अभी भाई मैं आ गया हूँ आई शॉप यहाँ पर है सूरत में, जो मैं बताया आपको जनता मार्केट यहाँ पर। तो भैया आपका नाम साकिब, भैया का नाम साकिब है। और यहाँ पर भैया दिखाएंगे, और ये सारे फ़ोन आप देख सकते हो यहाँ पर, आईफोन इनके यहाँ ज़्यादा है, मतलब आईफोन की ज़्यादा है आपके पास ना। और कौन सा फ़ोन है यहाँ पर? मेरे पास आईफोन में फिर सैमसंग के कुछ मॉडल्स हैं, ग्लोबल फ़ोन है। अच्छा अच्छा, और वन प्लस का भी हम लोग ऑपरेशन काम करते हैं, वन प्लस का भी। तो अभी मैं हूँ जनता मार्केट में, जैसा कि आप देख सकते हो ये जनता मार्केट में आई शॉप है। और सर से अगर आप, भैया से अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर भी जाकर मैसेज कर सकते हो, आई शॉप सूरत जो है इनका इंस्टा पर आईडी है, और मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं और सर बताएंगे कि रेट यहां पर कौन से फ़ोन का क्या है। तो स्टार्टिंग सर फोन सबसे कम प्राइस में भी यहां पर कौन सा मिलेगा? फोन में सबसे कम प्राइस में ना गूगल के पिक्सल आते हैं, गूगल पिक्सल, हाँ, जो स्टार्ट हो जाते हैं पिक्सल 2 जो स्टार्ट हो जाते हैं 6,500 से। 6,500 आईफोन के अंदर मेरा स्टार्टिंग रेंज है 10,000 6S। अच्छा, आईफोन अगर किसी को लेना हो तो वो 10,000 से स्टार्टिंग रहेगा। ओके ओके, और उसके बाद? और उसके बाद सैमसंग वगैरह स्टार्टिंग रहेंगे 18,000 सैमसंग S10 जो है स्टार्टिंग रेंज है 10,000। तो इसमें से आप फ़ोन का प्राइस बता सकते हैं क्या? कौन सा वाला मतलब स्टार्टिंग कौन सा, मतलब सबसे कम में इसमें कौन सा रहेगा फ़ोन जो है डेमो के लिए, कौन सा दिखा दीजिए थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम बजट में जो फ़ोन रहेगा वो आई फोन का, जैसे भैया बता रहे हैं तो वो फ़ोन आपको दिखा देते हैं। देखिए अभी निकाल रहे हैं, तो अभी हम लोग भाई जनता मार्केट में सबसे चीपेस्ट फ़ोन में अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, अगर आपको लेना है तो। कौन सा ये? अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फ़ोन जो है ये चीपेस्ट फ़ोन है भाई, ये 10,000 में आपको मिल जाएगा आईफोन। कौन सा? आईफोन एस। अच्छा ये आईफोन एस जो है 6S। और इसके बाद मतलब इसके ऊपर नए फोन होते हैं। अच्छा अच्छा, और इसके अंदर ना अभी कोई बोलेगा कि आईफोन 6S 6 साल पहले का फ़ोन है तो नया कैसा? अच्छा अच्छा,
जैसे अभी आप ये देख सकते हो हमारे पास ऐसे फोन आते हैं। अच्छा, अभी आप इसका बैटरी हेल्थ देखो 100%। साइकिल काउंट सिर्फ एक है। ओके ओके। तो ये जो बाहर से ना हमारे फोन दुबई से, हांगकांग से, ये सारी जगह से फोन आते हैं, मतलब इंडिया से बाहर से फोन, इंडिया के बाहर से सारे फोन आते हैं। और इसके अंदर है ना हम लोग उसके बाद सारे ग्रेड्स में डिवाइड होते हैं इक्वली, ए प्लस ए। तो हमारे आपको सिर्फ ए प्लस वाला ग्रेड मिलेगा। अच्छा अच्छा, ए प्लस ग्रेड वाला। और उसके बाद अगर अगर एंड्रॉइड में अगर कोई लेना चाहे तो कौन सा फोन बेस्ट रहेगा? एंड्रॉइड के अंदर मेरे पास सैमसंग S10 है अभी। सैमसंग S10 कौन सा? ये वाला जो कलर है ना उसमें ऑरेंज कलर है। अच्छा, ये वाला फोन सैमसंग का? ये पूरे इंडिया में ये कलर नहीं है। ये पूरे इंडिया में भी कलर नहीं है? नहीं, वो गारंटी है। अच्छा, सैमसंग गैलेक्सी S10। तो इसकी प्राइस क्या है? 18,000 है। और यहाँ पर 18,000 है और मार्केट में? मार्केट में मेरे यहाँ पर ये रेट है। आपके यहाँ ये रेट है और मार्केट में एक्चुअल प्राइस क्या होगी इसका? लॉन्च 62,000 का नया था। अच्छा अच्छा, अभी हम लोग को नया आईफोन बिल्कुल दे रहे हैं 3 महीने की गारंटी के साथ, स्टोर वारंटी के साथ, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट। तो भाई यहाँ पर मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि शायद आने वाले समय में भी एक फ़ोन लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक फ़ोन चाहिए, एक नया फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं, ये बहुत सारे फ़ोन हैं यहाँ पर भाई। और इसके बाद अभी देखो वहाँ पर थोड़ा भैया काम भी कर रहे हैं, तो ये फ़ोन भी वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी S10, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर कई सारे फ़ोन हैं। ये आईफोन तो सब अलग अलग क्वालिटी है क्या सबका? सब अलग है। ये आईफोन 7 है या XS है? ये 7 है और ये XS। ये सारा आईफोन 8 है। अच्छा, तो इसमें इसका फ़ोन प्राइस कितना है? 7 आ जाता है 12,000 में, 128 GB। 128 GB का ना? और इसकी कैमरे क्वालिटी क्या होती है? बहुत अच्छी। वैसे आईफोन का तो अच्छा ही होता है, आईफोन होता है ये भी। हाँ हाँ, और 100% बैटरी, 100% कंडीशन। ओके ओके। तो ये भाई ये कितने का बताया आपने? 12,000 ना? नया फोन। ओके ओके। और कोई मतलब कि आप बताइए, आपके पास वन प्लस में भी है? वन प्लस के अंदर है, बट मैं वन प्लस के अंदर सिर्फ 500 रेंज से काम करता। अच्छा अच्छा, 1+8T से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। 28,000। तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना नंबर भी बता दीजिए। हमारे स्टोर का नंबर है 9999888907। ओके ओके। तो अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, भैया से। और ये यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं, तो और भी फ़ोन हम देख लेते हैं इसमें से। सर एक आध दो फ़ोन और दिखा दीजिए जो मतलब बजट में अगर। और ये जो वॉच है, ये कौन सी वॉच है? एप्पल वॉच भी है, सैमसंग भी है। ये देखो हमारे पास ना स्टार्ट 10,000 से लेकर है ना, हाँ, रेंज तक भी होती है। ये iPhone 13 Pro है। iPhone 13 Pro? Yes, पहली बार हाथ में लिया हूँ। ये 512 GB है। ये कंपनी में इसका MRP है 1,50,000। 1,15,000? 50,000। ओके, 1.5 लाख। ये हमारे पास 93,000 भाई। यहाँ पर देखो भाई काफ़ी डिस्काउंट में मिल जा रहा है फ़ोन। अब भाई ये देखो, मैंने पहली बार आईफोन ये जो है 13 प्रो लिया है हाथ में। ये देखो पीछे मॉडल नेम वगैरह सब कुछ लिखा, अगर आप पढ़ सकते हो तो। और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बजट में भाई 93,000 में मिल रहा है। 100% बैटरी वारंटी 10 मंथ की आपको दी जा रही है। आई शॉप, यहाँ से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। तो भाई मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है पहली बार आईफोन अब हाथ में लेना। और कैमरे देख लेते हैं एक बार, लेट मी चेक। ये देखो भाई, ये आईफोन पहली बार हाथ में लिया हो, देखो कैसा लग रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताओ भाई लोग। ये देखो, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स जो अभी नया फ़ोन आया है मार्केट में, और इसका एक्चुअल प्राइस 1.5 लाख रुपये है। और यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा 93,000 में, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर हम अभी वॉच भी देख लेते हैं, एप्पल का वॉच जो है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पर भाई बहुत ही बजट में आपको मिल जाता है अगर फ़ोन आप लेते हो तो। अभी अगर वॉच को ही अगर लेना, वॉच ये एप्पल की वॉच है ना? हाँ। इसका मतलब प्राइस क्या है? मेरे पास स्टार्टिंग इसकी 10,000 से होती है। अच्छा अच्छा। और जाती है 52,000 तक। इसको रख दीजिए, पहली बार वैसे मैंने हाथ में लिया है आईफोन, मतलब लेने का तो है लेकिन अभी नहीं फिलहाल। वॉच दिखा दीजिए भैया। वॉच देखो, ये मेरे पास है ना एप्पल का। ये एप्पल का वॉच है, ये सैमसंग का। ये सैमसंग का। दोनों का रेट क्या है? दोनों करीबन 11,000 13,000। और एक्चुअल रेट अगर अगर कोई ऑनलाइन बुक करता है कंपनी का MRP के हिसाब से, इसका ना कंपनी में रेट है 17,000 का। सेल्युलर है, LTE बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये मेरे पास सिर्फ 2 महीने पहले का एक्टिवेटेड डिवाइस है। ओके ओके। ये हम लोगों दे रहे हैं समझो 11,000 में। ओके ओके। ओरिजिनल लेदर बेल्ट और ओरिजिनल चार्जर और बॉक्स के साथ, सिर्फ 2 महीने पहले का एक्टिवेशन। ओके। 2 महीने में समझ लो कि भाई दो महीने में कितना कोई यूज करेगा, थोड़ा बहुत ही यूज करेंगे और आपको सीधा 6,000 बेनिफिट में मिल ही रहा है। हाँ हाँ।
तो अगर आपको यहाँ से कोई भी भाई फ़ोन आईफोन लेना हो या वन प्लस में लेना हो या फिर एंड्रॉयड में अगर अच्छा सा फ़ोन लेना हो तो आप यहाँ पर आकर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आई शॉप या फिर इनको इंस्टाग्राम पर मैसेज आप डाल सकते हैं अगर आप सूरत में कभी आ रहे हो तो। तो यहाँ पर वैसे हमने कई जगह घूमा और यहाँ से भैया को बोलते हैं थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कुछ लोग डर भी रहे थे एक्चुअली यहाँ पर कि उस हिसाब से, तो आपने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी तो इसके लिए धन्यवाद। तो अभी हम लोग का प्लान है आगे चलने का और आगे हम जाएंगे टेक्सटाइल मार्केट। अभी इसके पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और घूम के दिखा देता हूँ कि ये जगह को दिखा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम पूरा मार्केट भाई यहाँ पर काफ़ी जगह घूम लिए और मैंने एक जगह गया भी वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। और यहाँ पर पतन 1200 काउंटर से प्लस है भाई, क्योंकि वो बता रहे थे भैया जहाँ पर हमने वीडियो शूट किया था पूरा। और अभी हम मार्केट से पूरा बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा काम हो गया जिसकी वजह से हम यहाँ आए थे, जिस काम के लिए। और यहाँ पर भाई चीपेस्ट रेट में मैंने आपको दिखा दिया चीपेस्ट रेट में फ़ोन। और भाई ये जगह को जो है ना कुछ लोग बोलते हैं कि चोर मार्केट है, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर देखो आपका फ़ोन सेकेंड हैंड है, मतलब आप फ़ोन को काफ़ी टाइम यूज़ कर लियो, तो यहाँ पर आकर आप सेल कर सकते हो। सेल आउट आपके फ़ोन का जो बजट जो है ना काफ़ी अच्छे रेट में पड़ जाएगा, जो भी आपके फ़ोन का बजट होगा उस हिसाब से। तो भाई चोर मार्केट आप इसको ना बोलो। और मैं भी पहले यही सुना था, लोग बोलते थे चोर मार्केट है, तो यहाँ के लोग ऐसा नहीं बोलते। और यहाँ आने के बाद आपको एक्चुअल रेट इसका पता चलेगा कि ना भाई बहुत उतना रेट नहीं है, काफ़ी सही है। और पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ भैया, अभी तक इंट्रोड्यूस मैंने इनको नहीं करवाया था। तो भैया अपना नाम बताइए। बाबूलाल सानी। बाबूलाल सानी, और कुछ कहना है? मार्केट में घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा। तो मार्केट में भी हम लोग घूम रहे थे सभी लोग साथ में, और ये हमारे मामा के लड़के हैं, बड़े हैं हमसे, बड़े हैं काफ़ी हैं। तो इंटरव्यू ले लेते हैं। तो अभी हम भाई देखो इधर गाड़ी मेरी एक्टिवा इधर खड़ी है और यहाँ से हम घर पे चलेंगे। कहाँ पे एक्टिवा है? वो नहीं है, 7446 ही है। ये हमारी एक्टिवा है और यहाँ से भाई चलते हैं अभी टेक्सटाइल मार्केट में। फिलहाल हम इसी वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं और देखते हैं भाई अब टेक्सटाइल मार्केट में वहाँ पर उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ काफ़ी भीड़ हो जाती है, और नाइट के टाइम पर अगर आप आते हो तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो चलो भाई वीडियो में ऐसे ही बने रहो और अपना सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं नए वीडियो में।